हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, राम राम सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम दिन के 1 बजे। सुबह मैंने कुछ शूट नहीं किया, सुबह मौसम बहुत खराब था और बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई थी बाहर। बहुत तूफान, हवा, बारिश सब कुछ चला हुआ था, मतलब बाहर निकल नहीं सकते थे। और अभी मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसी रोशनी सी आ गई, मतलब धूप नहीं बोल सकते प्रॉपर, मतलब हाँ थोड़ा ठीक हो गया है। और सुबह से मैंने कुछ नहीं किया है, पूरा रूम बिखरा हुआ। ये कल के कपड़े धोए हुए, ये थोड़े से गीले थे तो मैंने यहीं पर एक एक करके रख दिए थे, मगर थोड़े सूख जाएंगे। और सब कुछ अभी बस पड़ रही थी, अभी बस क्लोज किया है सब कुछ। अब मैं पहले करूंगी इनका तय, देखो आप सब। मैंने अपने रूम की सफाई डन कर दी है, अब बनाएंगे लंच, चलते किचन की तरफ। मेरी बहन, बैंगन बच गए हैं थोड़े से, सुबह ब्रेकफास्ट में हमने यही खाए थे और फुलके बनाए थे गरम। सोचती हूँ अभी आलू का ब्रंज बनाएंगे, बनाते हैं अब आलू का ब्रंज। अभी कर लेते हैं हम अपना लंच। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला की कोतवाल मार्केट, क्योंकि हमने लेना था थोड़ा सा सामान, वो भी हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, उससे पहले हम आज तक वहाँ पर गए नहीं है। तो चलते हैं अभी बाजार। अभी हम यहाँ से लेंगे बस, तो हम बस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं बस कब तक आती है। अभी हम मार्केट पहुँच गए हैं, कोतवाली मार्केट, तो चलते हैं आराम से, चलना पड़ेगा थोड़ा सा, बस से उतर गए हैं अभी। और यहाँ पर रोड साइड में मोमो का स्टॉल था, आते टाइम हम मोमोज खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मज़ा आ गया। बहुत टाइम बाद हमने ऐसे रोड साइड मोमो खाए, स्ट्रीट मोमोज बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म भी थे, खाए भी नहीं जा रहे थे, गर्मा गर्म मोमोज। पूरी मार्केट घूम के हम थक गए, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बेंच मिला एक, तो अभी हम रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर एनर्जी गेन करते हैं, हम पैदल ही जाएंगे रूम। यहाँ से शॉर्टकट है उतरने को, आते टाइम चढ़ाई होती है, तो इसीलिए हम बस से आए थे इधर। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ से ली हमने सब्जी, टमाटर और फ्रूट्स, क्योंकि टमाटर थे बहुत ज्यादा सस्ते, 3 किलो 100 रुपए के। और यहाँ पर फ्रूट्स ले लिए, खीरा, सेब और टमाटर। तो चलते अब रूम की तरफ। तो यहाँ पे गोलगप्पे बहुत ही टेस्टी थे जो हमने खा लिए हैं।
हमने ज़्यादा इसलिए नहीं खाए क्योंकि हमने मोमो खाए थे ना, तो हमारे पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, इसलिए हमने सिर्फ 10-10 गई। अभी पहुंच गए हम अपने रूम, और इससे पहले हम दीदी के रूम थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। अभी भी ऐसी हालत है कि लेट जाते हैं चुपचाप जाके। अब आधा एक घंटा हम रेस्ट करेंगे, तो फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।